गड़ाकूटा सिविल अस्पताल में स्टाफ नर्सों द्वारा मरीजों व प्रसव कराने आई महिलाओं से अवैध तरीके से पैसों की मांग की जाती है। ऐसे ही एक मामले से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद CMHO ने उक्त नर्सों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ग्राम बरपानी व ग्राम कुड़ई की दो महिलाएं सिविल अस्पताल में जब डिलीवरी कराने पहुंची तो दोनों महिलाओं से अस्पताल में पदस्थ स्टाफ नर्स रचना लोधी द्वारा पैसों की मांग की गई। वहीं जब दूसरी महिला के पास पैसे कम होने की बात सामने आई तो उससे 800 रुपये पूरे देने के लिए दबाव डाला गया। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुयश सिंघई द्वारा स्टाफ नर्स रचना लोधी को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं इस पूरे मामले में जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच कराने की बात कही जा रही है। ज्ञात हो कि इस सिविल अस्पताल में डिलीवरी कराने आने वाली गरीब महिलाओं से अवैध तरीके से स्टाफ नर्सों द्वारा पैसों की मांग की जाती है। रुपये नहीं देने वाली महिलाओं के लिए छुट्टी के कागज नहीं दिए जाते। प्रसव कराने आने वाली महिलाओं को 3 दिनों तक अस्पताल में रोकने के बजाय उन्हें समय के पूर्व डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब देखना होगा कि उक्त मामले में जिम्मेदारों द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है। हाँ, वो अभी आप ही लोगों के द्वारा मुझे संज्ञान में आया है। मैंने BMO को निर्देश दिए, BMO ने कारण बता नोटिस दिया है। यदि संतोषजनक नोटिस का जवाब नहीं होगा तो उन दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।